हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में हो रही बर्फबारी के दौरान आवारा पशुओं को बाहर खुले में रखना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के दौरान आवारा पशुओं को चारा न मिलने से काल के ग्राम भी ये पशु चढ़ चुके हैं। और आपको बता दें कि वर्ष 2018 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिला किन्नौर के रल्ली नामक स्थान पर गौ सदन की आधारशिला रखी थी, परंतु आज तक गौ सदन नहीं बन पाया है। वहीं SDM कल्पा मेजर अवनिंदर कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जो गौ सदन रल्ली नामक स्थान पर बनाने के लिए चिन्हित जगह की गई थी, उसे निर्माण के लिए BD और कल्पा को राशि सौंप दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही गौ सदन का काम पूरा किया जाएगा। देखेंगे रिकॉन्गपियो बाजार और जितने भी हमारे दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ आवारा पक्षियों की जो संख्या है वो सर्दियों के दिनों में काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण जब इन आवारा पशुओं की मृत्यु होती है तो स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जो है वो हमें झेलनी पड़ती है। तो जहां तक इमीडिएटली इस समस्या के सोल्यूशन का सवाल है, तो मैंने JSW जो प्रोजेक्ट है वो लोग वांगतू में एक टेम्परेरी काउ शेल्टर जो है उनके पास है, और 24 तारीख को SDM भावानगर ने उनके साथ एक मीटिंग रखी है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि रिकॉन्ग के और आसपास के इलाकों के कितने पशु जो हैं वो वहां पर हम भेज सकते हैं।